Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Tu mohabbat, tu hi aadat, mujh pe tum inayat ho. Meri chahat, teri rahat, mujh pe tum inayat ho. Apne rang mein mujhko rang lo, mere sare sapne sach kar do. Tu mohabbat, tu hi aadat, mujh pe tum inayat ho. आपके ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली मैथ में। अकाउंट में बात करूं आपकी? एक्चुअली सर, एग्जाम्स में रट्टा लगाकर अच्छे ग्रेड्स लेना और बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के हद तक अच्छी हूँ, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। आपके ऑफिस में और कोई जॉब नहीं मिलेगी क्या? प्रहान, मनाल से मिलो। ये मनाल है, आज इन्हें अपॉइंट किया है और कल से ज्वाइनिंग दे रही है ये। आई वेलकम यू टू द कंपनी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तुम दोनों के बीच में कोई नाराजगी तो नहीं चल रही, कोई खटपट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि मिनाल फरहान को ट्रैप कर रही है। बहुत ही चीप और चालाक लड़की है वो। शट अप! किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें हो क्या गया है? अजहर, ये सना को क्या हुआ? वो काफी गुस्से में लग रही थी और रो भी रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। सना, मेरी बात सुनो। सना, 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 सना। सीरियसली, तुम बहुत लकी हो मिनाल, कल इंटरव्यू के लिए आई थी और आज से ज्वाइनिंग भी दे दी। थैंक यू। पता है, ये मेरी पहली जॉब है, मैंने अभी रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन की है। अच्छा, मीडिया स्टडीज में ग्रेजुएट हो ना? नहीं नहीं, मैंने तो कॉमर्स में ग्रेजुएट किया है। तो फिर यहाँ कैसे? अब आई मीन, यहाँ तो मीडिया स्टडीज से रिलेटेड लोग होते हैं ना, कॉमर्स वालों के यहाँ क्या काम? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरी यहाँ जॉब लग कैसे गई। जैसे तुम कह रही थी ना, मैं बहुत लकी हूँ, शायद लक की वजह से। हाँ सही, वैसे तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और सर आज़र भी काफ़ी फ्रेंडली और कोऑपरेटिव लगते हैं। सर आज़र बहुत खड़ूस इंसान है, वो एक्स्ट्रा बात करना तो किसी से पसंद ही नहीं करते। अच्छा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। अभी नई नई आई हो ना तुम, जब हमारे साथ काम करोगी ना तब सब पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ, फरहान सर काफी कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल है। और मिस सना? वो भी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन वो काफी प्राउडी है। हमारा उनसे कोई इतना इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन वो खुद भी लोगों को अवॉइड करती है, इसलिए हम तो उनसे सेफ है। तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन मेरा तो सिर्फ उन्हीं के साथ इंटरेक्शन है। अब मुझे लगता है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। वो अपने अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती। आज़र, वैसे मैं सोच रहा था कि मनाल काफी सेंसिबल और इंटेलिजेंट लड़की है, काफी कम टाइम में काम सीख जाएगी, है ना? तुम उसे काफी अरसे से जानते हो ना? उसे क्या फर्क पड़ता है या पड़ता है? नहीं, मैं तो सिर्फ इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने कभी उसका जिक्र नहीं सुना, ना तुमसे ना सना से। कहां छुपा के रखा था? चलो लंच पे चलते, आज सना के बगैर ही सही। नहीं यार, मेरा आज मूड नहीं है, कुछ काम भी निपटाने हैं। तुम हो आओ। Are you sure? हाँ, of course, of course. Okay. See you. नहीं सर, अभी तो मैं नहीं जा सकती और मुझे तो भूख भी नहीं है। लंच टाइम है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको भूख नहीं है? आप तकल्लुफ ना करें, काम बाद में भी हो जाएगा।
नहीं 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 सर, मैं तकल्लुफ कहाँ कर रही हूँ, थैंक यू। सोच लें, मैं हर किसी को लंच की ऑफर नहीं करता, और डेफिनेटली आज आपका पहला दिन है तो लंच भी हमारी तरफ से होना चाहिए। एक्चुअली अगर मुझे पता होता ना कि फर्स्ट डे पे ऑफिस वालों की तरफ से ट्रीट होती है तो मैं जरूर अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती। अब कभी नाश्ता किए बगैर आऊंगी तो बता दूंगी। चलिए ठीक, एज यू विश। बाय द वे, आप आज़र को कब से जानती हैं? परसों से। रियली? How interesting. जी, वो परसों ना मैं सेकंड फ्लोर पे जॉब अप्लाई करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया। फिर आज़र सर मुझे नीचे मिल गए, उन्हें मुझ पे तरस आया और उन्हें अपना कार दे दिया। अच्छा, that's good. चलिए, you have a good day. Thank you, sir. जी समीना, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत तो है? क्या क्या हुआ सना को? रात अच्छी भली तो थी? वो बीमार नहीं है अहमद भाई, सुबह ठीक ठाक ऑफिस गई है, लेकिन ना जाने वहाँ क्या हुआ कि घंटे भर में वापस आ गई और जब से अपने कमरे में बंद है और कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अब तो कई घंटे गुजर चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो सकता है? भाई आज़र को फोन करना था, उसे जरूर मालूम होगा। मैं उसको कई बार फोन कर चुकी हूँ अहमद भाई, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, इसलिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, सब खैर हो जाएगी, तू फिक्र ना करो। ये अपनी सना जो है ना, बहुत सेंसिटिव बच्ची है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है और रिएक्ट कर जाती है। अगर कोई बड़ी बात होती तो आज़र ने जरूर उसे जिक्र किया होता। अच्छा तुम फिक्र ना करो, आज़र आ जाए तो मैं उसे तुम्हारी तरफ भेजता हूँ। अच्छा अहमद भाई, खुदा हाफिज। मिनाल, आप घर नहीं गई? जी वो एक्चुअली ऑफिस में आज पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई, कल से टाइम पे फ्री हो जाऊंगी। वैसे सर पता है मुझे आज ऑफिस में बहुत ही मजा आया, मेरी बहन रूमी ने तो कल रात को मुझे डरा ही दिया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी डरावना नहीं है। मिनाल यहाँ पे भी इंसान ही काम करते हैं, भूत नहीं। हमारे अब्बू तो है नहीं, इसलिए अम्मी हमारे बाहर जाने से थोड़ा घबरा जाते हैं। एक मामू है जो कभी कभार बाहर ले जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बाहर की दुनिया से हम थोड़ा बेखबर हैं। लेकिन जारी तौर पे तो आप आउटडेटेड नहीं हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। मेरी बहन तो मेरी ड्रेसिंग का बहुत ही मजाक उड़ाती है, बल्कि वो कह रही थी कि आप मेरा हुलिया देख के मुझे रिजेक्ट कर दो, उसके हिसाब से पूरी दुनिया सिर्फ लुक से इंप्रेस है। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती, मुझे पता है मुझमें टैलेंट है और टैलेंटेड लोगों को इन फेक सहारों की जरूरत तो नहीं होती ना। आप काफी बोलती हैं। अच्छा, मेरे मामू भी कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, बल्कि घर में अम्मी रूमी ये भी सब कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ। मुझे तो नहीं लगता मैं बहुत बोलती हूँ, आपको वाकई लगता है मैं बहुत बोलती हूँ? अरे मामू हद कर दी आपने, इतना लेट कर दिया, पहले बताते मैं टैक्सी लेके चली जाती, अब तक तो घर भी पहुंच चुकी होती। हेलो जी बाबा। मामू आपकी भूलने की बीमारी ठीक नहीं होगी ना, कुछ भी कर ले आपको याद ही रहेगा कि आपने मुझे पिक करना होगा। पता नहीं किस बेवकूफ ने कहे कि सुबह नहान मुंह सात बादाम छील के खाओ तो याददाश्त बेहतर हो जाती है। आप तो कितने सालों से खा रहे हैं, आपकी तो ठीक नहीं हुई। भाई बोलते हुए कहीं कॉमा फुल स्टॉप भी लगाना होता है तुम्हें कि नहीं? जुमला के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। पौन घंटे से मैं ट्रैफिक में फंसा रहा हूं, आगे से हर सिग्नल मुझे बंद मिला, ऊपर से तुम्हारी टेंशन, सर में दर्द शुरू हो गया सख्त वाला। अच्छा ना, आई एम सॉरी। कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? वैसे मुझे यकीन है तुम किसी मसले को कोई लिफ्ट कराने वाली हो नहीं। सब कुछ ऑफिस में बहुत अच्छा था, काम तो मैंने यूं समझ लिया था, सब हैरान रह गए थे तुम्हें देख के। जी नहीं, मेरे काम को देख। और वो आज़र साहब? हाँ, उन्हें तो मैं भूल ही गई, बेचारे आज़र सर मेरे साथ ही खड़े थे वहाँ, ना उन्हें खुदाफिस का और ना आपसे तारुफ कराया, सोचोगे कितनी बदतमीजी। उनको सोचने दो जो सोचना है। वैसे
काम निकल जाने के बाद आंखें फेर लेना तुम्हारी पुरानी आदत। मामू मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ। सारा दिन हो गया है उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, न किसी की बात सुनती न कोई जवाब देती। मुझे डर है कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा बैठ। बाबा तो मैं क्या करूं, सना कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे एहसास होना चाहिए कि वो कितना परेशान करे सबको। तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, यही मतलब है ना तुम्हारा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी हर गलत को सही मानना शुरू हो जाऊं मैं, वो किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे। क्या मतलब, क्या बोला है उसने, किसी को कुछ कहा है? अच्छा ये बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे झगड़ा हुआ हो और कोई बात उसने कर दी जिससे तुम हर्ट हुए? मुझे कुछ नहीं कहा उसने। सना, सना, सना मेरी जान, दरवाजा खोलो। सना कुछ तो बताओ क्या हुआ है। सना, सना मुझे इस तरह परेशान मत करो बेटा। सना, सना प्लीज, सना कुछ तो बात करो, कुछ बताओ तो सही। हद करते हो आज़र तुम भी, किसी और के लिए सना को नाराज करने की क्या जरूरत थी? मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस रवैये पर, बहुत दुख दिया तुमने मुझे। बाबा सना कभी कभार लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, आपको नहीं पता कितनी उल्टी सीधी बातें की हैं उसने। मैं नहीं जानना चाहता कि उसने क्या कहा है और क्या नहीं कहा। मैं एक बात जानता हूं कि वो मेरी बेटी है, मैं उसे बेटी समझता हूं। तुम अभी जाओ और उसको मना कर लो। बाबा लेकिन ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी, सुबह हमने ऑफिस जाना ही है, वहां बात कर लूंगा बस। सुबह को बहुत देर पड़ी हुई है, मैंने समीना से वादा किया है कि तुम जो ही आते हो मैं तुम्हें भेजूंगा। तुम कमाल के आदमी हो, तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि सना तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस करती है और करती चली आ रही है। अपना करियर, अपनी जॉब, अपना वक्त, सब कुछ तो कुर्बान कर दिया उसने तुम पर, उसके खुलूस का तुम ये जवाब दे रहे हो, उसे नाराज करके बैठे हुए। जाओ मैं कहता हूं, जाओ उसे मनाओ। ठीक है। तो आगे भी तो बताओ कि क्या हुआ था फिर। होना क्या था, सना वहां से आंसू साफ करती हुई बाहर चली गई, साफ लग रहा था दोनों में कोई झगड़ा हुआ है। तो सना कौन है? आदर साहब की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों हर वक्त एक साथ रहते हैं, सुने उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। ओह तो ये बात है, लेकिन तुम आदर से पूछ लेती ना, क्या पता वो तुम्हें बता देता। हाँ मैं क्यों पूछती उनसे, वो तो आपस का मामला है ना उन दोनों का, मुझे तो वहां होना भी नहीं चाहिए था। क्या सना बहुत खूबसूरत लड़की है? हाँ अच्छी तो है। तो क्या आदर उसे पसंद करता है? मुझे क्या पता। और सुनो प्लीज, तुम अपने ये फजूल के अंदाजे लगाना बंद कर दो। ओके देखो मीनाल, अगर ऐसा है ना तो सना बहुत ही लकी लड़की हुई है ना। होगी। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि उन्हें कमर्शियल्स में ऐसी मॉडल तो चाहिए होगी ना जो एक ही सांस में कोल्ड ड्रिंक पी जाए या बगैर रगड़े कपड़ों के दाग निकाल ले। लो भाई शुरू हो गई आप। तो मीनाल कमर्शियल्स में ये सब कुछ तो होता है, और ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मुझे लगता है तुम चाहती नहीं हो कि मैं मॉडल बनूं, है ना। रूमी चुप हो जाओ प्लीज। ओके अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम आज़र, शुक्र है तुम आ गए। इस लड़की ने परेशान कर रखा है, कब से कमरे में बंद बैठी है, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। आंटी आप तो जानती है ना उसे, फिक्र मत करें मैं आ गया हूँ ना, मैं देख लेता हूँ, आप रिलैक्स रहें बस।
सना सना दरवाजा खोलो, सना दरवाजा खोलो। यार मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए यहां पे आया हूं और तुम दरवाजा बंद करके बैठी हुई हो। सबको तुमने परेशान किया हुआ है, यहां पे आंटी को, वहां मेरे पापा को। सना दरवाजा खोलो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं वापस चला जाऊंगा और फिर यहां कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आऊंगा, समझे? क्या ये जरा भरम थोड़ा कम, किसको दिखा रही हूं आंखें? बैठो, आ रही हूं मैं। लेकिन अब आइंदा ऐसी हरकत मत करना, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने सबको कितना परेशान किया। सबकी छोड़ो और अपनी बताओ, तुम परेशान हुए थे मेरे लिए? ऑफ कोर्स, तभी तो यहां पे आया हूं। तुमने वादा करना है कि तुम इस तरह की हरकत अब नहीं करोगी। तो फिर तुम भी वादा करो, क्या आइंदा इस तरह गुस्से में बात नहीं करोगे तो किसी दूसरी लड़की की वजह से? बताया सर, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया है और वो सिर्फ तुम हो। कभी किसी को जानने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी तीसरे शख्स की हमारे दरमियान कोई गुंजाइश नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। तुम पॉइंट है आपकी बात, कबाब्स बहुत अच्छे हैं। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। अम्मी मैं जा रही हूँ, गायबाना इधर कुर्सी पढ़ के फूंक देगा। अरे मनाल, लंच लेके जाओ, रूमी ने बहुत प्यार से तैयार किया है और वक्त पे खा लेना, ऐसा ना हो कल की तरह भूखी बैठी रहो। अम्मी इसकी क्या जरूरत है, आपको पता है पूरा दिन ऑफिस में ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, शाम को घर वापस आके खा लूंगी, इसे रहने दे। क्या बेवकूफी है मना, अब तुम्हारा रोज का जाना है, ऐसा करोगे तो चार दिन में बीमार हो जाओगी, सारा शौक अधूरा रह जाएगा जॉब का। अच्छा लो, रूमी ने बहुत प्यार से बनाया है बेटा, नहीं लेके जाओगी तो उसको बहुत दुख होगा। थैंक यू रूमी। अरे खाकर देखना कितने मजे के कबाब और सब्जी हैं, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अच्छा अम्मी जान। अच्छा जाओ, मामू इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कम इन। आपने मुझे बुलाया था? बैठे। जी आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको अकाउंट्स में होना चाहिए था, प्रोडक्शन में क्या करेंगे आप? सर आज़र तो मुझे अकाउंट्स में ही अपॉइंट करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अकाउंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्रोडक्शन का आपको कुछ पता नहीं है? लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। ये चैरिटी नहीं कमर्शियल इदारा है, यहाँ एक प्रोजेक्ट पर करोड़ों का बजट लगा होता है, रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास, हमें इस पोस्ट के लिए ट्रेंड लोग चाहिए। सर आज़र ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। ओके, वैसे भी एक महीने का प्रोबेशन पीरियड है आपके पास, अगर आप प्रूफ कर सकें तो ठीक है, वरना मैं खुद ही जॉब छोड़ दूंगी। मैंने खुद अपने आप को एक महीने का प्रोबेशन पीरियड दिया हुआ है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करेंगे। ऑफिस के अपने उसूल होते हैं, यहाँ हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, करेक्ट? जी ऐसा ही होगा। यू मे लीव नाउ। स्टूपिड गर्ल।
This is excellent, Azhar. Great job, yaar. I'm glad. तुम्हें तो लंच पे जाना था ना सर्वर साहब के साथ। हाँ, थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया उसे। बहुत अच्छा किया। वैसे भी ये सेल्स, मार्केटिंग, पिचिंग, ये मेरे बस का काम नहीं। मैं जिस कुर्सी पे हूँ बहुत खुश हूँ। आई नो दैट, लेकिन आज मुझे तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लगा। कहीं इस खुशी की वजह सना की वापसी तो नहीं? मोहन फरहान। लेकिन सना ने तुम्हें ये तो बताया होगा ना कि वो तुमसे नाराज किस बात पे थी? फरहान तुम लेट हो रहे हो, ट्रैफिक का मार्जिन देख के निकला करो, तुम्हें पहुंचना है। हाँ, और मैं सर्वर साहब को इग्नोर भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ तो बताया होगा, बता दो। आ जाओ फिर बताता हूं। ओके, चलो सर, सी यू। वाओ, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है, लगता है बहुत मजे का खाना है। छोटी बहन होने का ना यही फायदा होता है। अगर वो शादी होकर चली गई फिर क्या होगा? यार सोच तो मैं भी रही थी कि शादी के बाद उसका क्या होगा। उसका या तुम्हारा? सबा, मुझे टैलेंट की लिस्ट ना ईमेल कर देना। ओके सर। रुको रुको, खाना खा लो, आराम से उसकी बात कर देना। सर आप भी हमें ज्वाइन करें ना। नहीं थैंक यू, प्लीज यू कैरी ऑन। खाने को मना नहीं करते, बरकत चली जाती है। प्लीज लंच करें हमारे साथ, बहुत मजे का है। वैसे भी मेरी अम्मी कहती है साथ खाने से कुदूरत खत्म होती है। क्या कह रही हो? वैसे मेरे दिल में किसी के लिए भी कुदूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं तो। सर ये कबाब भी बहुत मजे के। अभी तो लंच पे जा रही हूँ मम्मा, आकर कॉल करती हूँ आपको। ऑब्वियसली आजर के साथ ही जा रही हूँ। मम्मा प्लीज आप परेशान मत हो, मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। इतनी मुश्किलों से आज आजर लंच पे जाने के लिए राजी हुआ है। आपको पता है ना काम के मामले में वो खाना पीने का ध्यान नहीं रखता। शाम में मिलते हैं फिर करते हैं बात। ओके ओके बाय। ये कहाँ चला गया बगैर बताए? खाना तो बहुत मजे का। सर इसकी बहन खाने बहुत मजे के बनाती है। इसमें मेरी बहन का नहीं मेरा कमाल है। ये आपने बनाया? You're a wonderful cook. नहीं नहीं मैं कुक नहीं, मैं तो शेफ हूँ। दोनों में फर्क क्या? सर कुक वो होता है जो किचन में जाके देगची में चमचा चला के सालन को भूनता है, और शेफ की रेसिपीज होती हैं। तो मेरी बहन कुक है और मैं शेफ हूँ। लेकिन फिर भी मेहनत तो आपकी बहन की हुई ना। सर आपको तो पता है कि वैल्यू आइडिया की होती है, लेबर की नहीं। अब जैसे कि आप डायरेक्टर हैं तो वैल्यू आपकी, आपके क्रू की तो नहीं ना। पॉइंट? पॉइंट है आपके पास। कबाब बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं सर, वो मिस सना। सर वो मिस सना कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं मशरूफ है क्या? नो आईडिया। खैर खाना बहुत अच्छा था, मेरी तरफ से भी बहन का बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा, और उन्हें बताइएगा कि शी इज अ वंडरफुल वंडरफुल शेफ। सर आप फिर मेरी बहन की तारीफ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना शेफ मैं हूँ। इंटरनेट से मुश्किल मुश्किल रेसिपीज ढूंढ कर निकालती हूँ, वो तो सब चूल्हा जलाकर तेल गरम करके डाल देती है। अच्छा फाइन, सारा क्रेडिट जाता है आपको। खुश? थैंक यू सर। चलें, आई विल सी यू। ईमेल प्लीज कर। ओके। माय गॉड, मिस सना की शक्ल देखी तो लग रहा था हम दोनों को जान से मार देंगे। मिनाल, हमें सर आजर को इस तरह खाने पे नहीं रोकना चाहिए था, आखिर तुम्हें जरूरत क्या थी? अरे एन कोई खाने के वक्त आ जाए तो आप उसे इनवाइट नहीं करेंगे? भाई मुझसे तो इतनी बातें खाकी नहीं होती।
साहब आते मिस सना को बुरा लगता है तो लगे। हमें परवाह करनी चाहिए मिनाल, मिस सना को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है। अरे इस तरह तो हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो बॉस है वो। अरे अगर मेरी बॉस है तो इसका मतलब अब मैं हर काम उनसे पूछ के करूंगी, हाँ, या फिर हर बात के लिए उनके ऑफिस दौड़ी दौड़ी जाऊंगी। मिस सना मुझे हंसी आ रही है, क्या मैं हंस सकती हूँ? या खाने के एंड वक्त कोई मेरे सामने से गुजर रहा है, क्या उसे ऑफर कर सकती हूँ? मिनाल बात किसी और बंदे की नहीं, सर आजर की है, वो उन पे अपना हक जताती है। तो फिर उन्हें चाहिए कि सर के गले में एक तख्ती लटका दे और उस पे लिखा हुआ जुमला हकूक महफूज है। भाई सिंपल सी बात है, अगर सर के बजाय कोई और भी आता ना तो मैंने यही करना था। मैं तो बल्कि मैं सना को भी इनवाइट करने लगी थी, लेकिन उनके नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकती। अच्छा अच्छा आहिस्ता बोलो, तुम तो अपने साथ साथ मुझे भी मरवाओगी। चलो खाना तो फिनिश करें। हाँ तुम भी खाओ। इस बार तो ये रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। तोड़ दिया तुमने रिकॉर्ड? काम ही तुम्हें हजार दफा मना किया है मेरी चीजों को हाथ ना लगाओ, खास तौर पे रिकॉर्ड्स को। मैं खुद कर लिया करूंगा, अब कर दिया तुमने नुकसान। आपके रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा बाबा। तो फिर? आजर भाई के जॉब के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह इस बार तो काफी दिन गुजर गए जॉब करते हुए। हाँ ये तो है, सही कह रहे हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अपनी जॉब से खुश भी बहुत है वो। बाबा मेरी माने तो जल्द से जल्द मंगनी कर डालें आजर भाई की, चाहे वो जितना भी मना करे आपको, जिम्मेदारी पड़ जाएगी उन पर तो फिर नौकरी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक कह रहे हो कामी, तो और मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन इस लड़के के साथ कुछ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी देर ना करें बाबा, झटपट सनाबाजी की अम्मी से बात करें, वो आकर खुद ठीक कर देंगी आजर भाई को। अरे कामी ये बात करके तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, वाह 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 वाह। जाओ इसी खुशी में एक गर्मा गर्म चाय लेकर आओ, मजा आ जाएगा। अब भी लाया बाबा। जाओ 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 जाओ। निकट बाजी जब ढाका गई थी ना तब उनसे मंगवाई थी। कपड़ा कितना मुलायम है। बंगाल की साड़ियों का आज भी जवाब नहीं। ये मैंने मंगवाई थी, तुम पसंद कर लो फिर मनाल को दे दूंगी। अम्मी साड़ी इतनी अच्छी है, कोई सी भी दे दीजिएगा, बल्कि पहले आप मिनाल को दिखा दें, क्या पता उसे कोई पसंद आ जाए। अरे मिनाल की तो रहने ही दो, वो साड़ी बांधने पे राजी हो जाए तो बड़ी बात है। लड़कियों वाले तो कोई शौक ही नहीं है उसमें, कोई संजीदगी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पता नहीं क्या करेगी जिंदगी में। खैर अम्मी उसने जॉब तो बहुत जिम्मेदारी से शुरू की है, इतनी भी लापरवाह नहीं है जितना हम सब समझ रहे थे उसे। ये तो तुम सही कह रही हो। देखो ये वाली बहुत अच्छी है, ये गोल्डन। हाँ वाह। सना चंद दिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाने को कहा था, क्या बना उनका? आए थे मेरे पास, रिजेक्ट कर दिए मैंने, कुछ खास नहीं थे। रिजेक्ट कर दिए मुझे दिखाए बगैर? मैं कुछ ना कुछ निकाल लेता उसमें से यार। जानती हूँ इस काम के तो माहिर हो तुम। कौन सा काम? ये मतलब की चीज ढूंढने में। क्या? अच्छा खैर आइंदा प्लीज कुछ रिजेक्ट मत करना मुझे दिखाए बगैर। सही हो? हेलो मामा, आप एक काम करेंगी मेरा? तो फिर ऑफिस में रुकने का कोई और मकसद होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? अपने बारे में सोचे ना। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं फकत अपने बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में नहीं। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। अस्सलाम वालेकुम नैयर आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतना हैरान हो कि क्यों देख रही हो? आप ऐसे अचानक?
हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने अचानक आके कोई छापा मार दिया। अरे भाई, मैं दर्जी के पास गई थी, उसने कहा कि कपड़े तैयार होने में 1-2 घंटे लगेंगे। वापसी पे मैंने सोचा कि तुम लोगों से मिलती जाऊं। अच्छा किया आपने बहुत। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी ऊपर है, आप आए ना ड्राइंग रूम में। अरे ड्राइंग रूम में क्यों, मैं कोई गैर हूँ क्या? मैं अम्मी से कमरे में मिल लेती हूँ। जी आइए। ठीक है मिनाल, मैं चलती हूँ। बस लेने में अक्सर देर हो जाती है ना, वरना मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रुक जाती। कोई जरूरत नहीं है रुकने की, वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया, मामू रास्ते में, मैं भी बस निकल जाऊंगी। चलो ठीक है भाई, इंशाल्लाह कल मिलते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लगता है तुम्हारा यहाँ दिल लग गया है। शायद इतना काम करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? किसी को इम्प्रेस करना चाहती हो? मुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं कुछ साबित करना चाहती हूँ। रियली? तो फिर ऑफिस में रुकने का कोई और मकसद होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हैं? अपने बारे में सोचे ना। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं फकत अपने बारे में सोचती हूँ, दूसरों के बारे में नहीं। Anything wrong? Not at all. Actually, मामू ने आज थोड़ा देर से आना था, इसलिए रुक गई थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफिस की कार छोड़ देगी तुम्हें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर होती भी तो मैं खुद ही सॉल्व कर लेती। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ये नाराज क्यों कर गई है? तुम दोनों की आपस में कोई बात हुई है क्या? मुझे क्या पता आज है, और मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो किससे नाराज है और किससे नहीं। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो हमें भी चलना चाहिए। खैर, काम तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बाबा का फोन आया तो जाना होगा। कोई खास बात है? तो जाके पता चलेगा। चलो। आयशा, मुझे तो तुम पर बहुत ही हैरत हो रही है। किन वक्तों के कपड़े तुमने जमा किए हैं भाई? आजकल कौन ये लेता है? कमाल है भाई, निगत से तो पूरे खानदान ने ढाका से मंगवाई थी ये साड़ियां। मेरे अपने पास 3 यही साड़ियां हैं, सबको रटे हुए हैं ये डिजाइन। लड़कियों के लिए तो कुछ रख ही लिया जाता है ना यराफा, और ये तो बहुत कीमती और खूबसूरत है। बाजार भरे पड़े हुए इनसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत कपड़ों से। वैसे बुरा नहीं मानना, तुम रूमी को ये सब कुछ मत देना भाई, सबने देखे हुए हैं ये डिजाइन। और अगर ऐसे ही है तो तुम मिनाल को दे दो भाई, तुम्हें उसकी भी तो शादी करनी है ना। जी रूमी, कुछ चाय वाय लेके आओ, कबाब वगैरह तल लेना। जी नहीं बेटा, बस एक प्याली चाय ले आओ, मैं घर से सब कुछ खा पी के चली हूं, मुझे बेवक्त खाने की आदत नहीं है। जाओ शाबाश। अरे सुनो रूमी, पहले पानी तो पिला दो। तौर तरीके कब आएंगे तुम लोगों को भाई, पानी पहले पिलाया जाता है। जी आज दुश्मनों के मिजाज बड़े बरहम है, बड़ी खामोशी है माज पर। दुश्मन तो ठीक ठाक होंगे, लेकिन मुझे बहुत सख्त गुस्सा। किस पे? खुद अपने ऊपर। वैसे गुस्से की ये जो किस्म है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें दिलो दिमाग, सोचने समझने की सलाहियत सब जवाब दे जाती है। इसे जितनी जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए उतना अच्छा होता है। वैसे कभी कभार खामोश रहना अच्छा होता है, खासतौर पे तुम्हारे लिए। लेकिन कभी कभी बोलना जो है वो खामोश रहने से बेहतर होता है। कुछ लोग इतने फजूल होते हैं ना, दिल चाहते हैं उन्हें शटल में बिठाकर हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया जाए। इस तरह तो आधे से ज्यादा दुनिया वहां पहुंच जाएगी बेटा। मुझे समझ नहीं आता कि घटिया किस्म के अंदाजे लगाकर, तंजिया बातें करके और दूसरों को लेट डाउन करके लोगों को क्या खुशी मिल जाती है। कोई भी नहीं, पता है इस तरह के लोग बड़े काबिल रहम होते हैं, घटिया सोच के मालिक होते हैं। ना ये खुद खुश रह सकते हैं, ना किसी को खुश होता देख सकते। वैसे तुम्हारे इस केस में मरीज कौन है?
कहीं आजर अहमद तो नहीं? वो तो नहीं है, लेकिन लगता है सारी के साथ की जड़। छुपो ना छुपो ना छुपो ना, हमसे छुपो ना छुपो ना, आ गए साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतनी तैयारी, कहीं जा रहे हैं क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी जा रहे हो साथ। समीना ने खाने पे बुलाया है, दावत है। लगता है बहुत प्रोटोकॉल वाली दावत है, आपकी तैयारी से ऐसे लग रहा है। तुम्हें तो पता है अच्छे खाने को मैं कितनी अहमियत देता हूँ, और फिर दावत हो तो इतनी तैयारी तो बनती ही है ना। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देर ना हो जाए। अब आप जाए ना, मेरा जाना जरूरी है क्या? जरूरी, बहुत जरूरी। जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा 5 मिनट, जाओ जल्दी आना जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। बस आप ही का इंतजार हो रहा था। कैसी हो समीना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अहमद भाई। और तुम आज़र, तुम कैसे हो? बहुत अच्छा। वो तो तुम हो, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। हमारी बेटी सबसे ज्यादा अच्छी है, ये बात होता है। ये तो आपकी मोहब्बत है अहमद भाई। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सना आपकी बेटी ज्यादा और मेरी कम है। तो इसमें शक ही क्या है भाई? चंद दिन से ना देखूं तो याद आने लगती है बहुत ज्यादा। आज़र से पूछे बाबा, इसे तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। ऑफिस में पूछता तक नहीं है मुझे, बहुत मसरूफ रहने लगा है। हाँ भाई, ये वाकई मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत मसरूफ रहने लगा है, और सीरियसली सोच रहा हूँ इसकी मसरूफियत को कोई लगाम डाली जाए। अब ऐसे वैसे आइडियाज आप बिल्कुल ना दें किसी को, मैं अपनी मसरूफियत खुद कम कर लूंगा, प्लीज। ऐसी क्या देख रही हो? कितनी लकी हूं मैं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी और को अपना दोस्त नहीं बनाया आज़र, हालांकि तुम अपने दोस्तों में गिरे रहते थे, लेकिन मैं उनके बीच से भी तुम्हें निकाल लाती थी। काफी लड़ती भी थी मुझसे, याद है? मुझे बुरा लगता था तुम्हारा किसी से बात करना, और अब भी लगता है बहुत ज्यादा। सना ये बहुत बेवकूफाना बात है, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हारे मामले में मैं बेवकूफ ही रहना चाहती हूं आज़र सारी जिंदगी।
तुम्हारा मिनाल के साथ यूं फ्रैंक होना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इतनी मासूम नहीं है जितना प्रिटेंड करती है। सना, क्या मिनाल के अलावा किसी और बारे में बात कर सकते हैं प्लीज? उतना क्यों सोचती उसके बारे में? इसलिए क्योंकि तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो आज़र। उसे बहुत अहमियत दे रहे हो तुम। सना, इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू, हद होती है यार। तुम मिनाल के साथ लंच कर रहे थे आज़र, ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए। बहुत बुरा लगा मुझे। वहां मेरे साथ सिर्फ मिनाल नहीं थी, और अगर होती भी तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी सना। कलीग्स हैं, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए दोस्ती तो होनी चाहिए ना। व्हाट? ये बात पहली बार सुन रही हूं तुम्हारे मुंह से। तुम तो काम की जगह पर रिश्ते बनाने के कायल नहीं थे, अब अचानक ही सोच कैसे बदलने लगी तुम्हारी? खैर ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हम ये टॉपिक खत्म करें प्लीज। तू मोहब्बत तू ही आदत, तू मोहब्बत तू ही आदत। फरहान इस वक्त मिनाल के घर पे है और हम दोनों को किसी ने बताया भी नहीं। हर बात के इतने पीछे क्यों पड़ जाती हो तुम? जो मोहब्बत करते हैं ना, उनकी तवक्कात बहुत ज्यादा होती हैं। शादी के बाद आपने क्या प्लान किया? मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी शादी होगी तो सिर्फ आज़र के साथ। तू मोहब्बत तू ही आदत, मुझ पे तुम इनायत हो, मेरी चाहत तेरी राहत, मुझ पे तुम इनायत हो, अपने रंग में मुझको रंग लो, मेरे सारे सपने सच कर।